नमस्कार दोस्तों, आज 19th of November और इस वीडियो में हम देखेंगे आज के ट्रेड सेटअप को। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यूएस मार्केट को, तो कल यहाँ पे फाइनली हमें डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्टैक में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जिसकी वजह से हम यहाँ पे एशियन मार्केट को आज यहाँ पे फ्लैट ओपन होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे SGX निफ्टी 12,886 पे आज यहाँ पे ओपन हुआ, जबकि करंटली हम निफ्टी 50 का फ्यूचर्स यहाँ पे 12,888 पे यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। तो अगर इन केस निफ्टी 50 अराउंड 12,900 के नीचे ओपन होता है और अगर इसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है, तो इसमें आज आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके लिए अगर हम एडिया लेवल्स को रेफर करते हैं, तो यहाँ से हमें इसके बारे में एक क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगा। और इवन हम कैश मार्केट में अभी भी DIS के साइड से एक नेट सेलिंग प्रेशर को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात किया जाए, तो बाटा, फेडरल बैंक, अशोक लीलैंड, L&T फाइनेंस और टाटा मोटर्स में आज आपको एक फ्रेश लॉन्ग पोजिशन की वजह से थोड़ी सी अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर मार्केट आउटलुक को देखा जाए, तो यहाँ पे वीकली एक्सपायरी जो कि आज है, यहाँ पे हमें कॉल साइड में अराउंड 13,000 और पुट साइड में अराउंड 12,800 की स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक्टिव ऑप्शंस में हम 12,900 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्टिव होता हुआ देख सकते हैं, और कॉल साइड पे इसे 13,100 के लेवल्स पे यहाँ पे इसे देखा जा सकता है। अगर आज के FNO बैंड के बारे में बात किया जाए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, BHEL, कनाडा बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग, JSPL, PNB, RBL बैंक, सेल, सन टीवी, टाटा स्टील और वोडाफोन आइडिया में आज आपको FNO ट्रेडिंग में एक बैंड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको ऐसे ही रियल टाइम अपडेट्स पाना है, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे अपना फीडबैक एक लाइक और कमेंट के तौर पे जरूर दें, क्योंकि इससे हमें अपने वीडियो को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए और भी ज़्यादा फीडबैक मिलता है। तो चलिए आगे हम कुछ ट्रेंडिंग न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ है, वो हमें हीरो मोटोकॉर्प की ओर से देखने को मिल रहा है। इसने अपने फेस्टिव सेल्स में अराउंड 4 वीक्स के अंदर अराउंड 14 लाख यूनिट्स यहाँ पे बेचने का यहाँ पे एक डिक्लेयर किया है, जो कि इसके प्री कोविड लेवल के बराबर है, जिसके वजह से कंपनी का मार्केट शेयर यहाँ पे 5% तक यहाँ पे बढ़ चुका है। तो इसके चलते अगले कुछ ही दिनों में आपको इसके शेयर प्राइस में थोड़ी सी अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है, और शेयर यहाँ पे 3000 का लेवल फिर से यहाँ पे रिक्लेम करता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम विप्रो के बायबैक प्रोग्राम के बारे में बात करें, तो इसका फिक्स्ड रिकॉर्ड डेट यहाँ पे 11th of December यहाँ पे सेट किया गया है, और इस दिन यहाँ पे आपको 23.75 करोड़ विप्रो के शेयर्स 400 के रेट पे यहाँ पे कंपनी बायबैक करते हुए देखने को मिल सकता है। आखिरकार अगर हम फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन के बारे में बात करें, तो इसने फिर से अपने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को जो पेमेंट था उसमें डिफॉल्ट करने की वजह से इसकी जो क्रिसिल रेटिंग है उसमें हमें डिफॉल्ट रेटिंग अभी के लिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो रिमेनिंग इसकी जो रेटिंग है उसमें नेगेटिव इम्प्लीकेशंस बोला गया है, और आउटलुक नेगेटिव होने की वजह से आपको इस फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में यहाँ पे करंटली इन्वेस्ट करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप के शेयर मोस्टली स्पेकुलेशन बेस्ड है। जब तक यहाँ पे अमेजॉन रिलेटेड केस यहाँ पे कोर्ट में चलते रहेंगे, तब तक आपको फ्यूचर के जो स्टॉक्स हैं, तो आपको इसमें एक ज़बरदस्त सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इन सब शेयर्स में बच के रहें, अदरवाइज आपका जो पैसा है वो डूबने का खतरा यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे आप डेली अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसे अगर आप चाहें तो जाके आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि आपको हर अपडेट्स की जानकारी हमारे चैनल की ओर से सबसे पहले मिलती रहे। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।